हिमाचल में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में जीत के लिए कमर कस दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए चक्रव्यूह बना दिया है। जी हां, हिमाचल कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को सौंपने के बाद कांग्रेस आला कमान ने संगठन में फिर से संतुलन बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, 26 अप्रैल को प्रतिभा सिंह की नियुक्ति के साथ ही 45 से ज्यादा नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। पार्टी हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार करते हुए 67 और पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र को अधिमान देते हुए 13 महासचिव, 41 सचिव, 2 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता और 1 कार्यकारी समिति सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अतिरिक्त पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों के साथ वरिष्ठ प्रवक्ताओं व प्रवक्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किया है। तो वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, रंगीला राम राव के अलावा आदर्श सूत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं किशोरी लाल, जगजीवन पाल, सोहन लाल, करनेश जंग, चिरंजी लाल व मोहिंदर चौहान को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्तियों की सूची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी की गई है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने वरिष्ठ और युवा चेहरे को कार्यकारिणी में स्थान देने का आग्रह भी किया था। इसके बाद हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला दौरे पर आए थे। उन्होंने भी कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर कई नेताओं से बातचीत की थी। अब सोनिया गांधी ने कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया है, तो वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा सरकार के केंद्र में 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम का दौरा अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 50,000 लोग जुटाए जाएंगे। मोदी के हिमाचल दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो सीटीओ से शुरू होकर रिज तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मोदी केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हिमाचल के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के भाषण पिछले साल 8 साल में देश की प्रगति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होगा। ये हिमाचल के लिए चुनावी साल है और मोदी की जनसभा पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को लेकर बुधवार को शिमला स्थित बीजेपी पार्टी मुख्यालय दीप कमल में पार्टी के प्रदेश नेताओं की बैठक हुई थी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा था कि केंद्र सरकार 30 मई को अपने 8 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर हम पीएम मोदी के दौरे को बड़ा और सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र से लगभग 50,000 लोग शामिल होंगे।